I am Hina Vyas, resident of Jains Group of Jogeshwari. I am here for a cause, that is work for a cause. I like to support poor and downtrodden children who are not supported well by the society. Because of money, sometimes they are not getting good education. So we must support them. Basically, I am a teacher. My profession is teaching. I always like to teach poor children. And as you know, after every good child or well-developed child, there is a mother. So we must support mothers. And mothers must be empowered. They also must be provided some job so that they can earn and support the family. And ours is a social organization, which is NGO, Jains Welfare Foundation. And my colleague, Mr. Deep Vyas, will tell you something more about Jains. Thank you. The Jains mein, जैसे रबिया पटेल जी भी जो जिन्होंने ये वर्क फॉर अ कॉज ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वे भी जायंट्स की प्रेसिडेंट रह चुकी है। और जायंट्स एक ऐसी संस्था है जो भारत से जन्म लेकर के विदेशों में गई है, जैसे और संस्थाएं विदेश से जन्म लेकर के यहाँ पर आई है। तो हम लोग आज यहाँ पर रबिया के साथ जुड़ के बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस वर्क फॉर अ कॉज, जो एक नोबल कॉज है, इसके साथ जुड़ने का हमको रबिया ने मौका दिया, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। और हम लोग ना सिर्फ एजुकेशन, लेकिन हैंडीकैप एक स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को भी हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, और इस तरीके से कि वे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ना सिर्फ उनको हम पैसे देकर के कुछ कहना चाहते हैं कि आप घर में बैठे रहो और हम आपको पैसे पहुँचाते जाएंगे, हम उनको कुछ ऐसा करके दे रहे हैं आज तक कि वे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपना ख्याल खुद रख सकें। जय हिंद। Thanks. I am Reena Shah. I am a founder of Smiley Souls Foundation. Thank you very much, Rabia ma'am, to give an opportunity to walk for a cause. And my walk for a cause is to provide an entertainment to underprivileged transgender community helpers, etc. And Ma Tujhe Salaam. Ma itself is a very big word. So thank you, Rabia ma'am, for giving us an opportunity to walk for a cause. Thank you. First of all, hi, I'm Monisha Basaketre, and I would like to thank Rabia for giving me this opportunity to be here today for this beautiful cause of Ma Tujhe Salaam. I'm an HR professional and I'm working for a cause of providing careers to all you young people out over here, and also to the ladies who have taken a break in their careers. I wish to bring them back into this beautiful world, enjoy their careers and be happy souls. Thank you so much. Thank you, Rania. Thank you very much. बोलो ना। मई में हम लोग जैसे माँ के लिए स्पेशल दिन रखते हैं, जैसे जून में डैडी के लिए रखते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान से पहले मैं मेरा शो फर्स्ट मई से ही चालू कर दूँ। टुडे इज़ अ लेबर डे। लेबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि माँ भी एक लेबर पेन से जाती है। सो हर इंसान अगर आज फर्स्ट मई सेलिब्रेट कर रहा है तो वह एक लेबर पेन से जाता है, इसलिए मैं उसको तहे दिल से सलाम करना चाहती हूँ। माँ तुझे सलाम इसलिए बना गया है, और इतनी आवाज़ और शोर से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे शोर होता ही रहेगा जहाँ पे माँ को सलाम देना है। सो दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू माँ, एंड वॉक फॉर अ कॉज इज़ एन इवेंट, एंड ईच इवेंट इज़ अ स्पेशल इवेंट। हर टाइम किसी न किसी चीज़ को लेके, मुद्दे को लेके लिया जाता है, स्पेशल किड्स को लिया जाता है, स्पेशल लोगों को लिया जाता है। और हमेशा अगर आप वॉक फॉर अ सोशल कॉज करोगे तो हमारे देश में हम लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर हर कोई खुद से सोशली रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा खुद का एक एनजीओ है जिसमें मुझे मेंबर्स चाहिए रहते हैं। अगर मुझे मेंबर्स बनाने हैं तो किसी ना किसी को किसी तरह इन्वॉल्व करना होता है। अगर मैंने किसी को प्लेटफॉर्म दिया, उसके बारे में बात करने का मौका दिया, हर किसी को अपनी ही बात करनी होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो खुद की बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता। किसी में कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन उसको चाहत ज़रूर होती है कि वो अपनी ही बात करे। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया वॉक फॉर अ सोशल कॉज,
here the person is walking on stage. This is the stage created for them. So each one join Rabia Patel's Walk for a Social Cause. This is my message to everybody. अच्छा रिस्पांस टाइम्स ऑफ इंडिया ने खास मेरे लिए बोला गया था कि जैसे मैं LIC में एजेंट्स रिक्रूट करती हूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे लिए तारीफ में टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज में दो बार लगातार अगस्त महीने में बोला गया था कि राबिया पटेल एजेंट्स बनाती है सोशल एजेंट्स. अगर हर इंसान क्रिएट करेगा तो कितने अच्छे लोग पैदा होंगे, अच्छे लोग जमा होंगे, जुड़ेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे. तो हर टाइम जब भी कोई ना कोई क्रिएट होता है, हर टाइम नए लोग आते हैं. पहली बार 60 आए, थोड़े और आए. हर टाइम पॉपुलेशन इतनी अलग अलग होती है, हर टाइम किसी के पास टाइम अलग अलग महीने में होता है. तो अगर हर तीन तीन महीने में ये वॉक फॉर अ कॉज होता है तो हर टाइम नए लोग ही जुड़ते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है, हर महिलाएं ऐसी नहीं होती है. आपके लिए फॉर इंफॉर्मेशन, माँ अगर 10 बच्चे पैदा करेगी ना तो भी वो 10 को संभाल सकती है, लेकिन वो 10 बच्चे एक माँ को कभी नहीं संभाल सकते. तो आप ये महिलाओं के बारे में कभी मत बोलिए. मैं खुद एक औरत हूँ और मेरी माँ मुझे बचपन से नहीं मिली है, मेरे खुद के अपने बच्चे नहीं हुए हैं. मेरा मुंबई मिरर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है. मेरा मेंटर बोलता है अगर अपनी स्टोरी से तुम्हारा तुम किसी को इंस्पायर करते हो तो दूसरे सीखते हैं. तो प्लीज़ वॉच माय स्टोरी ऑन 26 मुंबई मिरर. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई मिरर, बट इट इज़ रिटन अबाउट द माँ एंड इट इज़ रिटन बाय आई एम नॉट अ मदर. व्हेन आई एम नॉट अ मदर इट डजेंट मीन दैट आई कांट क्रिएट माँ तुझे सलाम. थैंक यू. पहचान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे माँ तुझे सलाम. जैसे ही माँ का नाम आता है सीना के ऊपर क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर. मैं बेहद बेहद खुश हूँ. एक तो आज 1st of May है, महाराष्ट्र डे, और महाराष्ट्र के दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदरहुड. इसका थीम है माँ तुझे सलाम. मदर इज़ द एपिटोम ऑफ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. एक्चुअली शी इज़ द एपिटोम ऑफ ऑल द बींग्स. जैसे हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स में टॉप क्रिएशन कौन से होते हैं, तो ह्यूमन बींग इज़ द टॉप ऑफ द क्रिएशन, बट उससे भी ऊपर है मदर. और मदर से कोई भी कनेक्शन, कुछ भी कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है. इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर एंड टू मीट ऑल दीज मैग्निफिसेंट लेडीज, जो घर से लेकर करियर से लेकर काम करती है फॉर द सोसाइटी. ठीक है, यू नो इतने सारे रोल्स प्ले करती हैं, राइट फ्रॉम बीइंग अ डॉटर टू बीइंग अ मदर, सिस्टर, बीइंग अ सोशल वर्कर. सो आई एम ट्रूली थैंकफुल टू राबिया पटेल. वो इतना ब्यूटीफुल काम करती है यहाँ पर. और यहाँ पर हमारे आज जो चीफ गेस्ट हैं वो डॉली ठाकुर जी हैं, जो अपना टाइम निकाल कर आए हैं हमारे साथ. सो आई थिंक ये ब्यूटीफुल इन ब्यूटीफुल लेजेंड्स, मैं डॉली ठाकुर मैम को तो लेजेंड ही बुलाऊंगी, इन ब्यूटीफुल लेजेंड्स के सामने आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू बी हियर. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज का शो होस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वॉक विद द कॉज हो रहा है एंड वी डूइंग समथिंग विद द सोसाइटी, कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए. और यही ह्यूमैनिटी है, यही जिंदगी का उसूल है. और एक्चुअली वी हैव टेकन ह्यूमन बर्थ ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ काम करने के लिए. तो आई एम ट्रूली ऑनर्ड एंड वेरी एक्साइटेड. माँ तुझे सलाम, बस माँ को ही एक सलाम है. वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. जी 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 जी, मैंने प्रियंका का डिज़ाइनर कलेक्शन पहना है और ज्वेलरी डिज़ाइनर हमारे साथ हैं जो सबके डिज़ाइनर हैं. और मेरा जो फैब्रिक है दैट इज़ फ्रॉम लताशा, जो ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर फैब्रिक है, एंड टू द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉक इन देयर अटायर एंड सो इट्स अ डिफरेंट लुक टुडे और डिफरेंट फीलिंग है. इतनी सारी लेडीज है साथ में, सो वी गोइंग टू रियली एन्जॉय. और मैंने पहली बार लाइफ में राबिया पटेल को तैयार होते हुए देखा है, क्योंकि इनको सब ने इतना फोर्स किया कि वी हैव वॉक विद अ कॉज, वी वॉन्ट यू टू ड्रेस अप, वी वॉन्ट यू टू फील दैट. एंड राबिया थैंक यू कि आप इतना सुंदर काम करते हो फॉर द सोसाइटी और इतने सारे इवेंट्स करना. राबिया एवरी सेकेंड मंथ वो इवेंट्स रखते हैं लोगों के लिए, जहाँ पर यू नो वी कलेक्ट मनी, वी कलेक्ट डोनेशंस एंड वी रियली डू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी. और मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, बस मैं राबिया के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ आने के लिए. बट शी डज कमेंडेबल वर्क. नहीं सिमरन, फॉर यू आल्सो, यू आल्सो आर अमेजिंग. आई रियली आई एम वेरी ग्लैड दैट मिस इंडिया सिमरन इज माय फ्रेंड. थैंक यू सो मच. एंड
रियली आई एम कमेंडेबल वर्क यू डू एंड सारी लेडीज को जो एक साथ आप लाते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लेडीज कभी भी साथ में खुश नहीं रह सकते हैं. आप पर कम से कम 300 लेडीज हैं. मैन सेड इट. हाँ, मैं इन्हें जानती ना, वो भी मुझे जानते हैं और हम झगड़े भी देख चुके हैं लाइव बहुत सारे. सो इतने सारे 300 लेडीज एक जगह पे खुश मिजाज ब्यूटिफुल स्माइल्स के साथ इज ओनली पॉसिबल इन योर शो राबिया पटेल. सो माँ तुझे सलाम. ब्यूटिफुल बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है ऑल टुगेदर. जैसे कि आपने कहा माँ, यू ऑटोमेटिकली फील इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग ऑल टुगेदर. बींग अ गर्ल माई सेल्फ वो फीलिंग ही आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है. और जब भी हम माँ का नाम लेते हैं तो आँखों में नेचुरल वो कशिश आ जाती है, बिकॉज आई थिंक आज जो भी हमारी देन है सबकी देन है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्यूटिफुल वर्ड मदर और उनकी ममता के लिए. इट इज़ लव परसोनिफाइड. जो मदर है शी सिनोनिमस विद लव परसोनिफाइड. और प्यार से ज़्यादा इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है. तो आज के जो इवेंट में इतना प्यार दिखने वाला है आपको. मैं जैसे बहुत लाउड होती हूँ, इस इवेंट में इट्स गोइंग टू बी लव परसोनिफाइड बाई मी. जी, मैं हूँ गहना मेहरा. पिछले सीज़न मेरी दोस्त राबिया पटेल ने मुझे नॉमिनेट किया था माँ तुझे सलाम नंबर 1 सीज़न 1 के अवार्ड के लिए. इट फेल्ट ग्रेट. आई फेल्ट सो ऑनर्ड बिकॉज पूरी ज़िंदगी हम करते हैं करते हैं करते हैं, रिसीविंग में कभी कुछ नहीं मिला. एंड व्हेन शी सेड दैट गहना आई एम नॉमिनेटिंग यू, मेरे आँख में आंसू आ गया था. टुडे वी आर हियर फॉर हर सीज़न 2. आई एम गोइंग टू बी परफॉर्मिंग एन ओड to the beautiful relation of mother and son. So you will see that in a couple of minutes. My friend Rabia is doing this for a cause. She promotes Walk for a Cause, and let us all cheer her. All the very best, Rabia. God bless. My name is Dr. Hina Malahat Khan. I am one of the ladies who are going to walk the ramp today. Today I'm very happy and I'm walking the ramp for a cause, and that cause is women empowerment. I congratulate Rabia and Maa Tujhe Salaam, of course, for this event. It's been lovely. I believe in just one thing, that there are two kind of people, one who inspire you and the others who drain you. So I think you have to pick them wisely. Thank you so much. Maa Tujhe Salaam. I'm Ruby Machra. I'm from Mumbai, Mrs. India Universe 2018 and Mrs. Universe Northwest Asia 2019. I'm also a spiritual healer by profession. I'm a fashion model. I walk the ramp for many designers, and also I'm doing print shoots with quite a few of them. In order to solve the Walk for Cause initiative. Walk for a Cause is an initiative by Rabia Patel. She's been running this for quite a few years now, and she's doing a great job by giving a chance to the underprivileged, to the handicapped, and all those who want to show their talent across. How does it feel when you associate with a social initiative like that? I think it's very important for us to give back to the society. There's a lot that we are doing for ourselves, but then, you know, that gratitude that comes by giving back and helping the needy, I think that's very important in today's world, which not many do it. So, of course, it is important. Yes, lots of talks are on, maybe for a web series, maybe for movies. So just waiting for something concrete to come up. Hello, this is Priyanka Bakliwal. I'm a fashion designer and it's really a pleasure working with all these people. I got this chance to design an outfit for Ruby Makra, Mrs. Universe. So I would like to... Hi, I'm Ruby. I'm Mrs. India Universe 2018. The collection you can see that I'm wearing today is designed by Priyanka. Especially for Walk for a Cause. It's Rabia Patel's show in coordination with Giants One of Mumbai. And she's been a great designer. She's worked her best. And yes, you can contact her for all your needs. Okay. Thank you so much, Rabia. This is really an amazing initiative taken by Rabia Patel. She has been amazing always. And it's really a good thing that we, being a new designer, not new, but yes, getting this kind of opportunity is a big thing. So I think Rabia has created a huge platform for everybody to showcase their talents. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you.